यह मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग हुई थी। यहां पर हम देखते हैं कि मिस्टीरियो मरते समय एक वीडियो शूट करके स्पाइडरमैन की असलियत सबके सामने एक्सपोज कर देता है और अपने आप को एक हीरो साबित करते हुए लंदन में हुए हमले की जिम्मेदारी स्पाइडरमैन के ऊपर थोप देता है। स्पाइडरमैन यह देखकर तो सन ही रह जाता है। लोगों की भीड़ एमजे को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे तरह तरह के सवाल करने लगती है और तभी स्पाइडरमैन स्ट्रीट लाइट के पोल से नीचे जंप करता है और एमजे को भीड़ से बचाकर अपने साथ ही उठाकर ले जाता है और एमजे को पकड़कर मकड़ी जाल से झूला झूलते हुए सीधा अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर की आंट में हैप्पी से ब्रेकअप कर लेती है और हैप्पी उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है। हैप्पी को घर के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और हैप्पी सीधा अंदर जाकर पीटर पार्कर के रूम में घुस जाता है और पीटर पार्कर को बिना कपड़ों के एमजे के साथ देखकर हैप्पी और उसकी आंट में शर्म के मारे अपना मुंह दूसरे तरफ घुमा लेते हैं। फिर उसकी आंट में रूम के अंदर जाकर एमजे से पहली बार मिलती है। फिर हैप्पी रोते हुए हालत में पीटर से बोलता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। पीटर पार्कर जल्दी जल्दी से सभी खिड़कियां बंद करने लगता है और फिर उन दोनों से उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला होता है और तभी एमजे पीटर को टीवी की तरफ इशारा करती है। फिर सभी टीवी पर देखते हैं कि पुलिस के कुछ हेलीकॉप्टर उनकी बिल्डिंग के ऊपर गश्त लगा रहे हैं। डेली बुगल न्यूज में जोना जेम्सन स्पाइडरमैन के बारे में अनाप शनाप बकते रहता है जैसे कि वह कोई अपराधी हो। आंट में और पीटर पार्कर न्यूज में देखते हैं कि लंदन में हुए हमले में जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया था वो सभी स्टार्क इंडस्ट्रीज का ही था और तभी उनके घर पर FBI के डैमेज डिपार्टमेंट से कुछ अफसर आते हैं पीटर पार्कर के नाम का वारंट लेकर। FBI को पीटर पार्कर के घर से कुछ चीजें मिलती हैं जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का था। पुलिस स्टेशन में पीटर अफसर को समझाता है कि मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, वो खुद ही अपनी गलती से मारा गया और तुम चाहो तो इस बारे में निक फ्यूरी से पूछ सकते हो। और तब पीटर को उस अफसर से पता चलता है कि निक फ्यूरी पिछले एक साल से इस प्लैनेट पर नहीं था और यह सुनकर तो पीटर हैरान हो गया था। फिर आंट में एमजे और उसके फ्रेंड नेड लिट्स को भी यहाँ पर लाया जाता है। पहले तो अफसर एमजे से पूछताछ करता है पर वह बिना वकील के कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होती है और इसके बाद वह नेड लिट्स से पूछताछ करने के लिए जाता है पर वो गलती से बता देता है कि वल्चर को पकड़ने के लिए उसने स्पाइडरमैन के सूट को हैक किया था और तब अफसर उसको बोलता है कि इसका मतलब तुम स्पाइडरमैन के गैर कानूनी कामों में बराबर के साथी हो। और इसके बाद वह आंट में से भी पूछताछ करता है। उन लोग एक वकील हायर कर लेते हैं जो कि उनके घर पर आया होता है। वह वकील कोई और नहीं मैट मर्डॉक होता है जिसको कि हम डेयर डेविल के नाम से जानते हैं। एक ईट खिड़की के कांच को तोड़कर सीधा पीटर की तरफ आती है जिसको कि मैट तुरंत ही पकड़ लेता है और यह देखकर तो पीटर दांतों तले उंगली दबा लेता है। पीटर पार्कर के ऊपर जो चार्ज था उसको मैट मर्डॉक ड्रॉप करवा देता है। अब यह जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और इसलिए हैप्पी उन दोनों को अपने घर पर लेकर आता है। हैप्पी का यह घर काफ़ी हाईटेक और लग्जरियस होता है। पीटर के द्वारा गलती से कपड़ा हटा लेने पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिससे कि कुछ भी बनाया जा सकता है। पीटर एमजे के साथ मिड टाउन हाई स्कूल पहुंचता है। उसको यहाँ पर पता चलता है कि वह कितना फेमस हो चुका है और यहाँ पर स्पाइडरमैन के सपोर्टर्स और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। यह सभी समय पीटर काफ़ी नर्वस रहता है। नीचे में काफ़ी भीड़ होती है इसलिए तीनों ही काम के लिए स्कूल के छत में चले जाते हैं। वहाँ पर वे तीनों MIT में एडमिशन के बारे में बात करते रहते हैं। MIT से लास्ट लेटर आने पर पीटर उसको लेकर एमजे के पास जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड नेड लिट्स भी आया होता है। यह उन सभी का लास्ट लेटर होता है। सभी एक साथ अपना अपना लेटर खोलकर पढ़ते हैं। यह पढ़कर तो सभी का चेहरा एकदम लटक सा जाता है क्योंकि यह लास्ट एप्लीकेशन भी उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। मेडिसिन वाली लाइट देकर पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में ख्याल आता है। तब वह रास्ता ढूंढते हुए न्यूयॉर्क सेंक्टम पहुंच जाता है और सेंक्टम के अंदर जाकर वह सोर्सरर सुप्रीम वोंग से मिलता है और वह उसको बताता है कि राटन का एक दरवाज़ा इसे साइबेरिया से जोड़ता है और ये बर्फीला तूफान वहीं से आया है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस के चलते 5 साल के लिए गायब हो गए थे तब वांग को ही सोर्सरर सुप्रीम बना दिया गया। डॉक्टर स्ट्रेंज उसके यहाँ पर आने का कारण पूछता है और तब वह उसको बताता है कि मिस्टीरियो के कारण सब लोग जान गए हैं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बोलता है कि मैं टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास कोई टाइम स्टोन है। पीटर उसको बोलता है कि इसकी वजह से मेरे साथ जुड़े सभी लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताता है कि मैं टाइम को पीछे तो नहीं कर सकता पर मेरे पास एक मंत्र है जिससे कि सारी दुनिया भूल जाएगी कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। इस पर वांग बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांग को ले देकर राजी कर ही लेता है और फिर वह पीटर पार्कर को अपने साथ तहखाने में लेकर जाता है और यहाँ पर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज भुला देने वाला मंत्र रूम्स ऑफ कफ का वाली मंत्र विधि शुरू कर देता है।
डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र पढ़ते समय पीटर इसको यह कहकर बार बार डिस्टर्ब करता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एमजे, उसके आंट में, उसका फ्रेंड नेड लिट्स और हैप्पी को ही याद होना चाहिए कि वही स्पाइडरमैन है। पीटर के बार बार कहने पर डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा मंत्रों में बार बार छेड़छाड़ करने से वह मंत्रों पर अपना काबू खो देता है, इसलिए उसको इस मंत्र विधि को यहीं पर ही रोक देना पड़ता है। इस विधि को रोक देने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मंत्रों में बार बार छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है, तुमको तो कोई अंदाजा ही नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने MIT एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी बात समझाने की कोशिश भी नहीं की और यहाँ पर चला आया पूरी दुनिया की यादाश्त मिटाने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा पीटर को सेंक्टम से बाहर निकाल देने के बाद वो सीधा फ्लैश थॉम्पसन को फोन करता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि MIT की वाइस चांसलर एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। पीटर पार्कर जाम ट्रैफिक में ढूंढता हुआ वाइस चांसलर के पास पहुंच जाता है और यहां पर उसको समझाने लगता है कि MJ और नेड लिट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, उन दोनों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। पीटर उसके साथ कन्विंस करते रहता है, तभी ऑटो ऑक्टेवियस ब्रिज को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुँचता है। फिर पीटर आने वाले खतरे को भांपकर तुरंत ही स्पाइडरमैन बन जाता है और फिर ऑटो ऑक्टेवियस सामने आकर स्पाइडरमैन से अपने फ्यूजन रिएक्टर के बारे में पूछता है, पर यह वाला स्पाइडरमैन तो उसको पहचानता ही नहीं है। और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस कार को उठा उठा कर स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है और यहाँ पर स्पाइडरमैन लोगों को बचाते रहता है। और तभी डॉक्टर ऑक्टोपस अपने मैकेनिकल हाथों से स्पाइडरमैन को दबोच लेता है और बहुत दूर फेंक देता है। अब स्पाइडरमैन मकड़ी के जैसे ही अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल लेता है और अब दोनों में बराबर की टक्कर होने लगती है। वाइस चांसलर की कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है और स्पाइडरमैन उसको बचाने के लिए जाने लगता है और इसी समय डॉक्टर ऑक्टोपस बड़े बड़े पाइप उठाकर स्पाइडरमैन पर हमला करते रहता है और फिर स्पाइडरमैन उन सभी हमलों से बड़ी मुश्किल से बचता हुआ वाइस चांसलर की कार को मकड़ी की जाल से ब्रिज पर लटका देता है। और तभी डॉक्टर ऑक्टोपस पीछे से आकर स्पाइडरमैन को दबोच लेता है और उसके सूट को तोड़कर ले लेता है और अब यह सूट उसके मैकेनिकल हाथों के साथ बाइंड हो जाता है और वह तुरंत ही समझ जाता है यह सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और फिर वह उसको बहुत करीब से देखता है और तब उसको पता लगता है कि यह उसका पीटर नहीं है। अब पीटर उसके मैकेनिकल हाथों को अपनी डिवाइस से कंट्रोल करने लगता है और इसके द्वारा ही वह वाइस चांसलर की कार को ब्रिज के ऊपर ले आता है। पीटर के द्वारा अपनी जान बचाने पर वाइस चांसलर तो तारीफों के फूल बरसाने लगती है और वह पीटर सहित उसके दोनों फ्रेंड्स के ही MIT में एडमिशन करवाने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोड पर कोई पम्पकिन बम फेंकता है और इससे रोड पर लगातार ब्लास्ट होते हैं। उस ब्लास्ट के धुएं के बीच से ग्रीन गोब्लिन अपने उड़न खटोले में उड़ता हुआ स्पाइडरमैन की तरफ आने लगता है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को ही टेलीपोर्ट करके सेंक्टम के तहखाने में ले आता है। हम यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ एक छिपकली के बच्चे को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर पहले से ही कैद था। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताता है कि यह सब मंत्रों से छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है। यह मंत्र उन सभी को उनके यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में ले आया जो कि यह जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और गटर के रास्ते में पीछा करने पर यह घिनौना छिपकली का बच्चा मिला जो कि यहाँ पर कैद है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बोलता है कि इस तरह के जितने भी नमूने इस यूनिवर्स में आ गए हैं उन सभी को ढूंढो और यहाँ लाकर कैद कर दो। और उसके साथ ही और पीटर को एक जादुई ब्रेसलेट देता है जिससे कि वह इन सभी नमूनों को डायरेक्ट इस कैदखाने में टेलीपोर्ट कर पाएगा। वह अकेले तो इस काम को कर नहीं पाएगा, इसलिए वह नेड लिट्स और MJ को यहाँ ले आता है। वे सभी लोग तहखाने में जाते हैं और यहाँ पर आकर बाकी बचे नमूनों को इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं और इंटरनेट से कुछ पता चलने पर स्पाइडरमैन झूलते हुए जंगलों की तरफ चल पड़ता है और यहाँ पहुंचकर उसे आसमान में इलेक्ट्रो दिखाई देता है जो कि हाई वोल्टेज की लाइन से अपने आप को चार्ज कर रहा होता है। स्पाइडरमैन उसको टेलीपोर्ट करने के लिए अपने ब्रेसलेट से रेस फेंकता है पर वह तो इलेक्ट्रो के आर पार ही चली जाती है और तभी इलेक्ट्रो का ध्यान स्पाइडरमैन की तरफ जाने पर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से स्पाइडरमैन पर लगातार हमला करते रहता है। इलेक्ट्रो फिर से स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करने आता है और इसी बीच सैंडमैन उसके लाइटनिंग स्ट्राइक के सामने आ जाता है और फिर स्पाइडरमैन सैंडमैन को बोलता है कि तुम इलेक्ट्रो का ध्यान भटकाओ और मैं इसको रोकने के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। अब सैंडमैन एक साइक्लोन का रूप धारण करके इलेक्ट्रो को चारों ओर से घेर लेता है और इसी बीच स्पाइडरमैन हाई वोल्टेज की वायर को खींच कर तोड़ देता है और पावर सप्लाई बंद हो जाने से इलेक्ट्रो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। और इसके बाद स्पाइडरमैन दोनों को यह बताता है अब तुम मेरी गलती से अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गए हो। और इसके साथ ही स्पाइडरमैन दोनों को ही बारी बारी से कैद खाने में टेलीपोर्ट कर देता है। पीटर की आंट में फोन करके बताती है कि तुमको जिस नमूने की तलाश थी वह फिस्ट बिल्डिंग में मेरे पास आया हुआ है और यह सुनते ही पीटर यह समझ रहा था कि उस नमूने से आंट में को खतरा हो सकता है, इसलिए वह दौड़ते दौड़ते आंट में के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न इस वाले पीटर को बोलता है कि मैं जिस पीटर को ढूंढ रहा हूँ तुम वह पीटर नहीं हो। पीटर अपनी आंट में को कहता है कि हमें इन सभी की मदद करके इनको वापस भेजना होगा। फिर पीटर इसे भी सेंक्टम के तहखाने में ले आता है
वह यहाँ पर आकर डॉक्टर ऑक्टोपस से बात करते रहता है। ये सभी लोग रियलाइज करते हैं कि उनके यूनिवर्स में उनकी मौत होने ही वाली थी और तभी वे यहाँ पर आ गए। और इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज आकर नॉर्मा ऑसबॉर्न को भी कैद खाने में डाल देता है। फिर पीटर के पूछने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताता है कि वो गलत मंत्र इस बॉक्स में कैद है। विधि पूरी होते ही मंत्र का असर पलट जाएगा और ये सभी अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। तब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि इनमें से कुछ तो अपने यूनिवर्स में पहुंचते ही मर जाएंगे, पर डॉक्टर स्ट्रेंज तो उसकी बात सुनता ही नहीं है और मंत्रों को उल्टा पढ़ना शुरू कर देता है। यह देखकर तो दूसरे यूनिवर्स आए सभी नमूने डर जाते हैं और यहाँ पर पीटर को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनकर उसको उसके कैदखाने में डाल देता है। फिर पीटर उस बॉक्स को लेकर सैंक्टम से बाहर निकल जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हुए यहाँ आता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है और इसके बावजूद भी उसके बॉडी में मूवमेंट होती रहती है। फिर स्पाइडरमैन अपने शरीर में वापस जाकर भागने लगता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में भेज देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को यहाँ पर उलझाकर उससे वह बॉक्स हटाने की बहुत कोशिश करता है पर वह नाकाम ही रहता है। फिर स्पाइडरमैन अपने ज्योमेट्री का नॉलेज का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पर फंसा कर और लटका कर यहीं पर छोड़ देता है और उसकी जादुई रिंग लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वह वापस उसी तहखाने में जाता है और उन सभी विलेन से यह वादा करता है कि उन सभी के प्रॉब्लम फिक्स करके उन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेज देगा। उस मंत्र वाले बॉक्स को MJ के हाथ में देकर बोलता है कि जैसे ही मुझको कोई गड़बड़ लगेगी वैसे ही मैं तुमको मैसेज करके बता दूंगा और वैसे ही तुम इसका बटन दबा देना। फिर पीटर उन सभी नमूनों को अपने साथ ले जाकर हैप्पी के घर में ले आता है। फिर पीटर उस स्टार्क इंडस्ट्रीज के उस बॉक्स को खोलता है जो कि एक टाइप का फैब्रिकेटर होता है। यह मशीन डॉक्टर ऑक्टोपस को एनालाइज करती है और तब पीटर को इससे पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के पीछे गर्दन में जो चिप लगी है वो खराब हो चुकी है और इसीलिए वो अपने रोबोटिक हाथों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर पीटर उस मशीन की मदद से एक नया चिप बना लेता है। अब पीटर यह चिप डॉक्टर ऑक्टोपस के गर्दन के पीछे में लगा देता है और जिससे वह पहले जैसे ही बेटर फील करने लगता है और तब डॉक्टर ऑक्टोपस उसे खुश होकर वह सूट उसको वापस कर देता है। फिर पीटर इलेक्ट्रो के चेस्ट में भी एक ऐसा गैजेट लगा देता है जो कि उसकी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को धोखा देने के लिए उस मशीन की हेल्प से एक फेक एंटी सीरम बनाता है। पीटर पहले ही भाग चुका था कि ग्रीन गॉब्लिन ने नॉर्मन ऑसबॉर्न को अपने कब्जे में ले रखा है। फिर ग्रीन गॉब्लिन यहाँ पर मौजूद सभी विलेंस को भड़काने लगता है कि हमारी ताकत हमारे लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान है और तुम हमसे यह छीन नहीं सकते हो। खतरा देखकर आंट में वह एंटी सीरम लेकर भागने लगती है। ग्रीन गॉब्लिन की बात सुनकर इलेक्ट्रो अपने सीने में लगे चुस्क यंत्र को फेंक कर और वहाँ पर रखे फैब्रिकेटर से उसका आर्क रिएक्टर को निकाल कर अपने सीने में लगा लेता है। अब जिससे वह अपने आप को पहले से भी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और फिर वह डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला करके उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। अब यह छिपकली का बच्चा भी फिस्ट वाली ट्रक को फाड़ कर बाहर निकल चुका था। अब ग्रीन गॉब्लिन और पीटर के दरमियान में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन पीटर को तबीयत से धोने लगता है। अब देखकर तो यही लग रहा था कि ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वे दोनों फाइट करते करते नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन पीटर का गला दबाकर मारने वाला होता है और तभी आंट में पीछे से आकर उस फेक एंटी सीरम वाले इंजेक्शन को ग्रीन गॉब्लिन की गर्दन में घुसेड़ देती है, पर इसका तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और फिर ग्रीन गॉब्लिन का उड़न खटोला पीछे से आकर आंट मैन के ऊपर अटैक करता है और साथ में एक पम्पकिन बम आंट मैन के ऊपर फेंकता है, पर पीटर उस बम को आंट मैन के पास पहुंचने से पहले ही दूर फेंक देता है। इस बम के ब्लास्ट होने से पीटर बुरी तरह से घायल हो चुका था और फिर ग्रीन गॉब्लिन यहाँ से बाहर निकल कर और काफ़ी सारे बम फेंक कर यहाँ से भाग जाता है। फिर आंट मैन घायल अवस्था में उठ कर पीटर के पास आती है। फिर आंट में अपने मरने के पहले पीटर को यह कहकर जाती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मूवी का यह इवेंट काफ़ी रुला देने वाला होता है और यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस आ चुकी थी और यह देखकर पीटर को यहाँ से भागना पड़ता है। MJ और नेड लिट्स अपने घर पर पीटर के मैसेज आने का इंतजार करते रहते हैं और इसी समय नेड लिट्स को अचानक पता लगता है कि वह भी इस जादुई रिंग से पोर्टल बना सकता है और तब उन दोनों को पोर्टल के उस पार स्पाइडरमैन दिखाई देता है। फिर वे दोनों उसको आवाज़ देकर यहाँ पर बुलाते हैं। अब यह वाला स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार कर उन दोनों को बताता है कि उसका नाम भी पीटर ही है जो कि दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर आया है। फिर MJ उसका टेस्ट लेने लगती है कि ये सचमुच में स्पाइडरमैन भी है या नहीं। अब नेड लिट्स दूसरी बार पोर्टल बनाने की कोशिश करता है और इस बार पोर्टल से कोई दूसरा पीटर अंदर आता है। अब दोनों पीटर मिलकर बोलते हैं कि यहाँ के पीटर को हमारे मदद की ज़रूरत है। फिर सभी लोग मिलकर यहाँ वाले पीटर को ढूंढते हुए स्कूल की छत में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर तीनों ही पीटर अपनी दुख भरी कहानी एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने को खो दिया जिससे वे बहुत प्यार करते थे। अब तीनों पीटर एक साथ मिलकर लेबोरेटरी में सभी विलेंस की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एंटी सीरम और कुछ गैजेट्स बनाने लगते हैं।
यहाँ पर दोनों ही पीटर को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि इस वाले पीटर को वेब शूट करने के लिए किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सभी मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि इस बॉक्स का लालच देकर सभी को स्टेचू ऑफ लिबर्टी में बुलाएंगे और उन सभी का इलाज करेंगे। यहाँ वाला पीटर इस न्यूज को डेली बिगल न्यूज में छोड़ देता है ताकि यह न्यूज हर किसी के पास पहुँच जाए। अब तीनों ही स्पाइडरमैन अलग अलग होकर इलेक्ट्रो, सैंडमैन और छिपकली के बच्चे के साथ फाइट करने लग जाते हैं और यहाँ पर तीनों ही स्पाइडरमैन लोगों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। यहाँ वाला पीटर उन दोनों को एवेंजर्स के बारे में बताने लगता है। उसकी बात सुनकर दोनों पीटर यह समझते हैं कि यह किसी तरह का कोई रॉक बैंड है। अब तीनों ही स्पाइडरमैन तैयार होकर उन विलेंस के साथ आंखें मिचोली खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। पीटर 2 को सैंडमैन दबोच लेता है और वह छिपकली का बच्चा पीटर 3 को उस छिपकली के बच्चे को पीटर 3 अपने मकड़ी के जाल से बंदी बना लेता है और फिर उस गैजेट को लेकर दौड़ पड़ता है और पीटर 1 के हाथ में दे देता है। और अब यह गैजेट पीटर 1 से पीटर 2 के हाथ में पहुंच जाता है और पीटर 2 उसे हाथ में आते ही उसे ऑन कर देता है। इस गैजेट से निकलने वाली रेस से सैंडमैन अब पहले जैसा हो जाता है और तीनों ही स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से निपटने के लिए सोचते हैं, पर इलेक्ट्रो को हराने के लिए उसके पास जाकर उसे वह आर्क रिएक्टर छीनना होगा। इलेक्ट्रो अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला करके तीनों ही स्पाइडरमैन को धराशायी कर देता है। छिपकली के बच्चा अपने आप को मकड़ी की जाल से छुड़ाकर और नेट लिट्स के द्वारा बनाए गए पोर्टल के अंदर घुसकर इन दोनों पर हमला करने के लिए आता है, पर पीटर 1 सही टाइम पर आकर इस छिपकली के बच्चे के साथ भिड़ जाता है और फिर वे दोनों इस बॉक्स को लेकर भागने लगते हैं। और इधर इलेक्ट्रो पीटर 3 को बिजली के झटके देते रहता है और तभी डॉक्टर ऑक्टोपस इलेक्ट्रो के पीछे से आकर अपने मैकेनिकल हाथों से दोनों ही पीटर को दबोच कर बोलता है कि यह मेरा शिकार है। और तभी डॉक्टर ऑक्टोपस एक हाथ से इलेक्ट्रो के सीने में लगे आर्क रिएक्टर को निकाल देता है और दूसरे हाथ से उस गैजेट को लगा देता है जो कि पीटर के हाथ से नीचे गिर गया था। अब यह चूसक यंत्र उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके उसे एक आम इंसान बना देती है। वह छिपकली का बच्चा उन दोनों के पीछे भागता रहता है और पीटर 1 उससे निपटने में लग जाता है और फिर MJ उसे एंटी सीरम को फेंक कर पीटर 1 के हाथ में देती है। वह छिपकली का बच्चा बिना कुछ सोचे समझे उस एंटी सीरम की बोतल को चबा जाता है जिससे कि ग्रीन कलर की गैस निकलने लगती है और इस गैस के असर से वह अपने असली रूप यानी डॉक्टर कर्टिस के रूप में आ जाता है। अब नेट लिट्स उस बॉक्स को छुपाने के लिए एक पोर्टल क्रिएट करता है, पर इस बार इस पोर्टल से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर निकलते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाता है कि पीटर का प्लान काम कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर 1 के पास पहुंचकर चिल्लाने लगता है कि मैं 12 घंटे तक ग्रेट कैनियन के ऊपर लटकता रहा। फिर ग्रीन गोब्लिन अपने उड़न खटोले में उड़ता हुआ यहाँ आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर बहुत सारे ब्लेड से हमला करता है, पर डॉक्टर ऑक्टोपस इसे बीच में ही रोक लेता है। अब वह मंत्र वाला बॉक्स ग्रीन गोब्लिन के हाथों में आ चुका था और इसी समय डॉक्टर ऑक्टोपस उसके उड़न खटोले को पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जादुई रस्सी फेंक कर उससे वो बॉक्स छीन लेता है। ग्रीन गोब्लिन उड़न खटोले में लगे ब्लेड से उसके मैकेनिकल हाथों को काट कर भाग जाता है। उस मंत्र वाले बॉक्स के अंदर पम्पकिन बम होने से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के होने से MJ सीधा नीचे गिरने लगती है। पीटर 1 उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, पर ग्रीन गोब्लिन आकर पीटर 1 को अपने साथ ले जाता है और तब यह देखकर पीटर 3 नीचे कूद जाता है और MJ को बचा लेता है। इस MJ को देखकर उसे ग्वेन स्टेसी की याद आने लगती है और इसी समय नेड लिट्स भी नीचे गिर रहा होता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। पीटर 1 उसके उड़न खटोले से वह बम निकालकर वहीं पर ही ब्लास्ट कर देता है और इस उड़न खटोले के क्रैश होने से दोनों ही स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के शील्ड पे आकर गिरते हैं। फिर पीटर 1 ग्रीन गोब्लिन की तबीयत से धुलाई करने लगता है। अब वह उसके उड़न खटोले को उठाकर ग्रीन गोब्लिन को मारने वाला होता है और तभी पीटर 2 आकर उड़न खटोले को पकड़ कर रोक लेता है और ग्रीन गोब्लिन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ में लगे चाकू से पीटर 2 पे हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। और इसी समय पीटर 3 वह एंटी सीरम फेंक कर पीटर 1 के हाथ में देता है। वह बिना किसी देर किए वह एंटी सीरम ग्रीन गोब्लिन की गर्दन में घुसड़ देता है। अब नॉर्मा ऑस्बॉर्न को होश में आते ही उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने क्या कर दिया। फिर पीटर 1 दोनों को यहीं पर ही छोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताने लगता है कि उस मंत्र वाले बॉक्स के नष्ट होने से वह मंत्र बाहर आ गया और जिसके कारण वे लोग हर यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ रहे हैं जो कि यह जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और मैं उन सभी को यहाँ आने से रोक नहीं पा रहा हूँ। और तब पीटर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि आप वही मंत्र फिर से पढ़िए जिससे कि सारी दुनिया भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और तब तो यह प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। फिर पीटर 1 यहाँ से चला जाता है उन दोनों पीटर को गुड बाय बोलने के लिए और फिर वह नेड लिट्स और MJ से जाकर मिलता है और सारी दुनिया पीटर को भूल जाएगी यह वाली असलियत दोनों को बताता है। और भूल जाने वाली बात से ही MJ काफी घबरा जाती है। फिर वह उन दोनों से वादा करता है कि वह उन दोनों को ढूंढकर उनको याद दिलाएगा। इस यूनिवर्स में आए सभी लोग धीरे धीरे अपने यूनिवर्स में जाने लगते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद पीटर MJ से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर नेड लिट्स पहले से ही मौजूद था। पीटर MJ को अपना नाम बताकर MJ से कॉफी मांगता है, पर MJ यहाँ पर पीटर को पूरी तरह भूल चुकी थी
कॉफ़ी पीने के बाद वह आंट मे के कब्र में फूल देने के लिए जाता है और यहाँ पर हैप्पी भी आया होता है, पर वह पीटर को पहचानता नहीं है। अब हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एडी ब्रॉक मेक्सिको के किसी रिजॉर्ट में मजे कर रहा होता है। वह टल्ली हालत में वेटर से एवेंजर्स के बारे में तरह तरह के सवाल करने लगता है। फिर एडी ब्रॉक बिना बिल दिए ही गायब होकर अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है और सिम्बियोट का टुकड़ा इस टेबल पे ही एक रह जाता है। और अब यह सिम्बियोट क्या क्या गुल खिलाने वाला है, यह तो स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी में हमको देखने को मिलेगी।